नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस समय की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में दोस्तों हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जो मुख्य समाचार में शामिल है। ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, जिससे कि कोई भी मुख्य समाचार आपसे छूटे नहीं। दोस्तों हर वो खबर आप तक पहुँचाएंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी कड़ी टक्कर देंगे यहाँ पर बीजेपी और पीएम मोदी को, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों पहली बड़ी खबर बताते चलें। राहुल गांधी का बड़ा बयान दोस्तों, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर बड़ा बयान निकल गया है राहुल गांधी का। इसके साथ ही कन्हैया कुमार ने भी ट्वीट करते हुए यहाँ पर बधाई दी है और बड़ी बात कही है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही देश जश्न में डूब गया है। इस खुशी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शरीक हुए। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को बधाई दी है। राहुल गांधी ने यहाँ पर ट्वीट करते हुए लिखा, इसरो की टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई। दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हमारे वैज्ञानिक की जबरदस्त प्रतिभा और दशकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। इसके साथ ही कन्हैया कुमार ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि दिल धक धक कर रहा था, लेकिन जैसे ही पता चला पनौती देश में नहीं अफ्रीका में है, जान में जान आ गई। सफल लैंडिंग की बहुत सारी बधाइयां, कन्हैया कुमार ने ट्वीट किया दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक उतरने पर इसरो सहित सभी देशवासियों को बधाई। यह पंडित नेहरू की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। ये यहाँ पर ट्वीट किया है कांग्रेस पार्टी ने। एक और दोस्तों खबर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों सीजीआई डीवाई चंद्रचूड ने बड़ा बयान दिया है चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड का बड़ा बयान निकल के आया है। उन्होंने कहा कि हमारे महान राष्ट्र के नागरिक के रूप में यह एक बेहद गर्व की बात है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर टीम इसरो और वैज्ञानिक समुदाय को मेरी हार्दिक बधाई। हमारे महान राष्ट्र के नागरिक रूप में यह बेहद गर्व की बात है। मैंने आज चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय लैंडिंग देखी। चंद्र मिशन की सफलता ने भारत को चंद्र सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया है। यहाँ पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ा बयान दिया दोस्तों। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। प्रियंका गांधी एक तरफ जहां वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव में उतर सकती हैं, और यहां पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष के बयान के बाद दोस्तों बीजेपी पार्टी में खलबली सी मच गई थी। जिसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक बड़ा बयान दिया है और यहां पर राजनीतिक हलचल मच गई है। रॉबर्ट वाड्रा ने दोस्तों ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे एक पार्टी में शामिल होने का ऑफर मिला है। उस पार्टी की ओर से कहा गया है कि हमारी पार्टी में शामिल हो जाओगे तो हम आपके ऊपर चल रहे ईडी के मामले खत्म कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एक पार्टी ने ऑफर दिया रॉबर्ट वाड्रा को, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने यहाँ पर नाम नहीं लिया और इशारों ही इशारों में बड़ी बात कह दी। यह यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर निकल गया है। चलिए एक और खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA की तर्ज पर भारत के मुख्य जांच अधिकारी का नया पद बनाने पर विचार कर रही है। ये सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आई है दोस्तों। वहीं कहा गया है कि CBI और ED के प्रमुख CIO यानी कि दोस्तों मुख्य जांच अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। यह ठीक उसी तरह होगा जैसे तीनों सेवाएं CDS को और दो खुफिया एजेंसियां NSA को रिपोर्ट करती हैं। और वहीं दोस्तों मुख्य जांच अधिकारी का नया पद ED चीफ संजय मिश्रा को मिल सकता है। वो 15 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उनका कार्यकाल बढ़ाया था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने पर कई बार सख्त टिप्पणी भी कर चुका है। समझा जाता है कि संजय मिश्रा को सरकार यह बड़ी जिम्मेदारी देना चाहती है। संजय मिश्रा पीएम मोदी के नज़दीकी अफसरों में से एक हैं। ईडी की जांच के दौरान जिन महत्वपूर्ण राजनीतिक लोगों पर शिकंजा कसा गया, उन सब केसों पर संजय मिश्रा की निगरानी रही है और अभी भी है। देख सकते हैं दोस्तों,
सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर निकल के आई। चलिए एक और खबर जानते हैं। मुंबई में विपक्षी महागठबंधन की बैठक में शामिल होने वाले हैं 5 CM 80 नेता। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक 31 और 1 सितंबर को मुंबई में होगी। इसे लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने बताया कि मुंबई में होने वाली बैठक में विपक्षी गुट के 5 मुख्यमंत्रियों के साथ 26 राजनीतिक दलों के 80 नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और NCP सुप्रीमो शरद पवार, महाविकास अघाड़ी गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं और कुछ कांग्रेसी नेताओं के साथ यहां पर पूरी तैयारियों में जुटे हैं। वहीं दोस्तों, इस बैठक में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी सहित विपक्षी गठबंधन के नेता 31 अगस्त को शाम 6 बजे से पहले मुंबई पहुंच सकते हैं। ये यहां पर बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों, देख सकते हैं इंडिया गठबंधन की होने वाली है तीसरी बैठक। ED सक्रिय हो चुकी है, यहां पर कांग्रेस पार्टी भी BJP पर हमलावर। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ED ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां पर छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार और OSD विनोद वर्मा के परिसरों पर छापेमारी की, जिस पर कांग्रेस ने केंद्र की BJP सरकार पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि BJP को छत्तीसगढ़ में अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे रही है, जिसके चलते वह पहले से ही ED CBI का दुरुपयोग करने लगी है। दोस्तों आपको बताते चलें, राज्य के चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों की स्पष्ट प्रतिक्रिया है, जिसमें BJP की बड़ी हार और CM बघेल की वापसी दिखाई गई है। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं है, देख सकते हैं। वहीं पवन खेड़ा ने भी BJP को घेरा है और कहा कि छत्तीसगढ़ में चल रही ED की छापेमारी यहां पर BJP की बौखलाहट को दर्शा रही है। BJP जानती है भविष्य में उसकी विधानसभा चुनाव में हार होने वाली है और फिर उसे सत्ता से बाहर रहना पड़ेगा। यहां पर देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से ED CBI IT जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर जानते हैं। दोस्तों 101 महिला वकीलों ने लिखा है मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को पत्र, कहा नफरती भाषणों के वीडियो पर लगे रोक, लगाम कसी जाएगी गोदी मीडिया पर। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें, नू हिंसा के बाद हरियाणा में मुस्लिमों के आर्थिक बहिष्कार जैसे नफरती भाषणों को रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है। इसमें मांग की गई है कि नू सहित हरियाणा के विभिन्न स्थानों में नफरत वाले भाषण हाल के दिनों में दिए गए हैं। इसको लेकर यहाँ पर माहौल खराब हो रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की गई दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों NCP चीफ शरद पवार ने बागियों को दिया है स्पष्ट संकेत, जल्द होने वाली है बागियों की वापसी, महाराष्ट्र में बदलेंगे समीकरण। शरद पवार ने बताया कि मुंबई में विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले बड़ा उलटफेर हो सकता है महाराष्ट्र में। वहीं दोस्तों विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक से एक सप्ताह पहले कोल्हापुर में एक सार्वजनिक रैली को भी संबोधित करने वाले हैं शरद पवार। NCP के शरद पवार गुट के नेतृत्व वाले गुट ने यह जानकारी दी है। यहाँ पर दोस्तों दिन भर की बड़ी खबरें मुख्य समाचार थे जो आप तक पहुँचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। आप सभी